मुख्य सर्वसम्मत नाम प्रस्तावित हुआ है और सर्वसम्मति से अनुमोदन हुआ है। डॉक्टर साहब के द्वारा प्रस्ताव रखा गया पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के द्वारा और उसके बाद में सारे सदन के द्वारा सर्वसम्मति से उसका अनुमोदन किया गया और एक प्रकार से पूरे विधायक दल के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है। मुखिया अब बन गए हैं, आदिवासी समाज से बनाया गया है, जिस तरीके से विश्व आदिवासी दिवस के दिन उनको हटाया गया था, अब मुख्यमंत्री बने हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जिस दिन हटाया गया उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, पार्टी ने जो काम दिया वो काम करते रहे और काम करते हुए आज इस मुकाम को हासिल किए हैं। उनकी सरलता और सादगी और निश्चल और निष्कपट जो व्यक्ति होता है उसको आज नहीं तो कल लाभ मिलता है और ये विष्णु जी के ऊपर में। INS 24/7 एक्सक्लूसिव सबसे बड़ी खबर, ये विष्णुदेव साहब को सुनिए। विष्णुदेव कुछ आने वाले समय में डबल इंजन का लाभ मिलेगा। बिल्कुल, ये जो है धर्मलाल कौशिक, लेकिन धर्मलाल कौशिक ने सबसे बड़ी जानकारी दे दी है स्वप्निल आपके माध्यम से कि इसका प्रस्ताव विधायक दल में विष्णुदेव सीएम हो, इसका प्रस्ताव खुद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रखा और सर्वसम्मति से ध्वनिमत के साथ विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव पारित हो गया। INS 24/7 पल पल के एक्सक्लूसिव अपडेट आपको दे रहा है। ये विष्णुदेव साय सबसे पहले क्या बोलेंगे उस पर भी हमारी निगाह है, हम लगातार उन तक बने हुए हैं। आप भी कहीं मत जाइएगा, INS 24/7 क्या कुछ कहेंगे विष्णुदेव साय इसको लेकर आप INS 24/7 में बने रहिए। सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी है कि विधायक दल की बैठक में रमन सिंह ने प्रस्ताव रखा विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री होने का, तो ये बहुत बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। रायपुर के बीजेपी प्रदेश कार्यालय कन्वेंशन सेंटर कुशाभाऊ में ये निर्णय ले लिया गया है और ये उसी वक्त की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुरकुरी से विधायक है और बड़े आदिवासी नेता हैं, दो बार छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। रैली में अमित शाह ने कहा था कि तुम इसे विधायक बना दो, मैं इसे बढ़ा दूं। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, विष्णुदेव साय नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, आलाकमान सभी जिंदाबाद हैं, विष्णुदेव साय कहते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, हम त्वरित रूप से आपको इसी उनके उद्बोधन से आपको मुखातिब कराएंगे और वो क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाएंगे। विष्णुदेव साय अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये देख सकते हैं तस्वीरें, जो छिटक गई थी वो कहीं छिटक न जाए इसलिए आपको दिखा रहे हैं। सर्वानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा और गौतम तीनों के साथ मंच पर ओम प्रकाश माथुर हैं, इन सभी की तस्वीरें हैं। ये सभी ने बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी और जो प्रस्ताव था इन्हें मुख्यमंत्री बनाने का वो प्रस्ताव रखा है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह के प्रस्ताव रखने से जाहिर सी बात है कि सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का पारित होना बिल्कुल ही जरूरी हो गया था और बिल्कुल इसमें कोई संशय ही नहीं था कि रमन सिंह जब खुद प्रस्ताव रख रहे हैं तो कोई विरोध कर दे और सर्वसम्मति से ध्वनिमत से इस प्रस्ताव को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने पारित कर दिया। और जैसा कि धर्मलाल कौशिक ने पूरी जानकारी बताई कि विष्णुदेव साय की साफ स्वच्छ सुंदर छवि के चलते ही ये निर्णय लिया गया और उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए सबको साथ लेकर संगठन में अच्छी साफ सुथरी छवि को लेकर उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब देखना है कि विष्णुदेव साय आगे